हम बनाएंगे शाही पनीर। हाई फ्लेम पर पैन में एक चम्मच तेल और एक चम्मच बटर डालेंगे। बटर गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े डालकर चला लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के कटे प्याज, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक डाल के मिक्स करेंगे। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें 4 मीडियम साइज के कटे टमाटर, 10 से 12 काजू और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक से टमाटर जल्दी पकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो करके लीड लगाकर टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डालकर मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मसालों को ठंडा होने देंगे। मिक्सी जार में ठंडे हुए मिश्रण में पानी डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी है। बोल पर छन्नी रखकर पीसी हुई पेस्ट छान लेंगे। पेस्ट छानकर रेडी है। देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट बनी है। हाई फ्लेम पर पैन रखकर इसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर गर्म होने पर गैस की फ्लेम लो रखकर इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डालकर चला लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर चला लेंगे और तुरंत छानी हुई पेस्ट डालकर मिक्स करेंगे। चीनी और लाल मिर्च एक साथ डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा होता है। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखकर मसाले तेल छूटने तक पका लेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। मसालों से तेल छूटने लगा है। इसमें 200 ग्राम पनीर के क्यूब और 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो दूध की मलाई फेंट कर डालें। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी 2 से 3 मिनट पका लेंगे। ग्रेवी ज्यादा ना पकाएं वरना पनीर हार्ड होगा। आप अपने हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अगर ग्रेवी पतली चाहिए तो गर्म पानी डालें। ठंडा पानी डालने से ग्रेवी की टेस्ट बिगड़ जाएगी। शाही पनीर रेडी है, सर्व करते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कैसी बनी थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए कितना मस्त टेक्सचर आया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।